So, hello my dear friends. Welcome Welcome you all to this SRP Math channel. Hopefully you all are doing very well. तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्कल चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में ऑर्थोगोनल सर्कल तक डिस्कस कर लिया था। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मजेदार वीडियो है, एक बार आप जरूर से चेक आउट करिए। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर कॉमन टेंजेंट टॉपिक। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू कॉमन टेंजेंट वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट मोटिवेशनल कोट्स ऑफ आवर ग्रेट आइकन श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर। सो कोट क्या है उनका आज का, देखिए। एक मिनट, को पेन वगैरह चूज करना पड़ेगा। इधर से आ जाओ, इधर से कलर भी चूज करना पड़ेगा। ये देखिए, सो उनका क्या कोट है आज के लिए। टू सक्सेड इन योर मिशन, टू सक्सेड इन योर मिशन, टू सक्सेड इन योर मिशन, इन योर मिशन क्या चाहिए? यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। you must have single minded devotion to your goal, तो जो भी आपका गोल है उसमें आपको सिंगल माइंडेड डिवोशन होना पड़ेगा। ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी का लिखा, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। तो ध्यान रखिए, कोट्स हम लोग को हमेशा एनर्जेटिक करता है, इसलिए जरूर से ध्यान से सुनिएगा। एक बार अपने मन में इसको सोचिएगा, जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना जनरली, वो आपको आत्मसात करना है। आत्मसात का मतलब अपने भीतर उसको देखना है, है ना। तो ये सब जो भी बात करते हैं उसको अपने अंदर ले गए, आप ऐसा फिर उस चीज का फ्लो हो रहा है, हमारे अंदर उस चीज का फ्लो हो रहा है, तब जाकर के वो चीज आपको काम में आएगा। चलिए वी डिस्कस, वी विल स्टार्ट द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हमारे पास दो सर्कल है ना। उस सर्कल के ऊपर हमें यहाँ पे कॉमन टेंजेंट डाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉमन टेंजेंट दो तरह का होता है हमारे पास। तो यहाँ पे सर दो टाइप का हो जाएगा सर। कॉमन टेंजेंट हैविंग टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज हियर, लेट अस मेक सेकंड वन इज हियर। तो एक होता है हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DIRECT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे DCT। और एक होता है अपने पास क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसको क्या बोलेंगे सर, TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डेफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, शॉर्टली लिख लेते हैं पे, कि सेंटर ऑफ सर्कल लाइज सेम साइड ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें सेंटर ऑफ सर्कल लाइज अपोजिट साइड ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स क्या होगा सर, जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल जो है अपोजिट में आएगा टेंजेंट का, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जब दोनों एक ही तरफ आ जाएगा। डायग्राम देखकर समझाता हूँ। देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्कल है सर, ऐसे, और एक सर्कल और है सर अपने पास यहाँ पर, लेट अस सपोज लाइक दिस, ऐसे, ठीक है ना। हमने एक टेंजेंट बनाया, ऐसा टेंजेंट जो इधर से हमारे पास पास होके और इधर में आकर के ऐसे चला गया, ठीक है।
तो यहाँ पे अपने पास सेंटर C1 मान लेते हैं, इसको सेंटर C2 मान लेते हैं। तो सेंटर नंबर C1, सेंटर नंबर C2, दिस इज आवर, हियर वी हैव व्हाट, टेंजेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास रेडियस R1, R1. दिस इज आवर रेडियस R2। तो देखो, तो ये जो टेंजेंट है दोनों के सेंटर में नीचे नीचे में में है है ना, ना, इसको बोलेंगे सर डायरेक्ट डेट को. कॉमन वही टेंजेंट, यानी कि सर हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। वही है अगर छोटा लेट सा पोज कि हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, लाइक दैट। और हमने एक यहाँ से टेंजेंट को बनाया लाइक लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे चलाइए। ये ये हमारे हमारे पास पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। ध्यान से देखिए, C1 इवन तो तो इससे इस ऊपर में, इसके नीचे में है, तो इसको हम बोले क्या, ट्रांसवर्स कॉमन कॉमन टेंजेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स. तो कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। तो अब इस इस सारी सारी चीजों चीजों को को हम हम डिस्कस डिस्कस करेंगे इन द डिफरेंट 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 फॉर्म। तो सबसे पहला देखते करते हैं, हैं. जब बोथ सर्कल जो है सर्कल वो नाइदर टच सर्कल नॉर कट हो, अलग 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 हो। सो अब वन बाई वन हम सबको डिस्कस करते हैं उसमें। फर्स्ट केस लेते हैं कि व्हेन सर्कल नाइदर नाइदर टच टचिंग नॉर नॉर इंटर. इंटरसेक्टिंग, लाइक दिस केस। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है सर, इन दिस वे, ऐसे, और ये सर हमारे पास दूसरा सर्कल है यहाँ पे, लेट अस सपोज टू बी ऐसे, इस तरीके से। तो वी आर They're गोइंग going टू to ड्रॉ draw. टेंजेंट हियर। सो एक टेंजेंट तो सर ऐसे बन जाएगा इसके ऊपर, लाइक दैट। अदर टेंजेंट विल फॉर्म लाइक दैट, दिस वे, ऐसे, दिस वे। अदर टेंजेंट कैन बी फॉर्म लाइक दैट, दिस वे। ओके, सो दिस इज द T1, डायरेक्ट कॉमन कॉमन टेंजेंट. टेंजेंट T1, दिस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट T2। सिमिलरली, चलिए अगर हम यहाँ से ऐसे कर लें एंड यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लाइक दैट। सिमिलरली आप देख सकते हो, मैंने यहाँ से ऐसे लिया एंड यहाँ से ऐसे ले लिया, लाइक दैट। सो दिस इज द, दिस इज व्हाट, ये तो क्या डायरेक्ट डायरेक्ट कॉमन कॉमन टेंजेंट टेंजेंट. है ना, इसको बोलते हैं DCT। ये भी DCT, ये हो जाएगा TCT1 और ये हो जाएगा TCT2। तो लेट अस सपोज दिस इज आवर सेंटर नंबर C1 एंड दिस इज सर्कल का सेंटर C2। तो ये अपने पास सर ऐसे होकर चला जाएगा सर। सो इन दिस केस यहाँ पे सर्कल क्या है, नाइदर टचिंग टच नॉर इंटरसेक्ट। अच्छे से केस क्या बनेगा सर, देखो ध्यान से। ये डिस्टेंस क्या है आपके अपने पास पास सर्कल का, रेडियस है R1, इसको आप बोलो यहाँ पे क्या, R2। तो ये कौन सा केस है, सर्कल सर्कल नाइदर टचिंग नॉर कटिंग, नॉर कटिंग, बोथ आर हाँ सेप सेपरेट एक्चुअली, है ना। तो अलग 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 है, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, C1 C2 जो लेंथ होगा, C1 C2 का जो लेंथ होगा, दिस विल बी व्हाट, ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो रेडियस का सम से इसका सेंटर का डिस्टेंस जब बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे पास इस वाले केस आएगा। और इसमें जो कॉमन कॉमन टेंजेंट का टेंजेंट. वैल्यू आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, यहाँ पर लिख लेंगे हम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। टोटल चार चार हो हो रहा रहा है है सर, चार। कैसे कैसे हो रहा है, दो तो हो रहा है सर डायरेक्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, एंड दो हो रहा है सर ऐसे. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट प्लस ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें तो बात का देखते ध्यान हैं, देना ऐसे तो ज्योमेट्री जिमेट्री का चीज है कि ये जो जो इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करता कर. है ना, ये अपने हाथ से मिलाया तो ये भी R1 हो जाएगा, और यहाँ से भी आप मिलाएंगे तो ये R2 हो जाएगा, दिस इज R1, दिस इज R2। तो ये सब सेम ये रेशियो में जो ज्योमेट्री इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करता है कर ना यहाँ पे दोनों, ये सेम रेशियो में करता है। तो वो आगे देख सकते हो, क्वेश्चंस में बताऊंगा। चलो सेकेंड पॉइंट, कि अगर हमारे हमारे पास पास सर्कल जो सर्कल जो है, है सर्कल जो है, लेट अस सपोज कि एक्सटर्नली एक्सटर्नल टचिंग टचिंग कर कर रहा है। तो इफ सर्कल टचेज एक्सटर्नली, लाइक यू कैन सपोज दिस इज द सर्कल नंबर 1 हियर भी है एंड दिस इज द सर्कल नंबर 2 हियर भी है। ओके, तो नाउ सर्कल्स सर्कल्स टचिंग, सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नली सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। सो लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर नंबर 1 C1, दिस इज द सेंटर 2 C2। तो गोइंग लाइक दिस, ये हमारे पास क्या हो गया R1,
ये हमारे पास क्या हो गया, हियर वी हैव आर टू एंड दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट. तो दिस इज द टेंजेंट नंबर वन एंड दिस विल गो इन टू बी द टेंजेंट नंबर टू हियर. दिस इज द टेंजेंट नंबर टू एंड दिस इज हियर व्हाट, दिस इज हियर वी हैव द कॉमन टेंजेंट. दिस इज द एक्चुअली दिस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. This is the direct common tangent, but this is the transverse common tangent. This is the transverse common tangent. So what is the condition here? First, you can say that C1, C2 is equal to R1 plus R2. So C1, C2 का value क्या होगा? R1 plus R2 के बराबर होगा सर. तब हमारे पास वो external touch करेगा. पहली बात. Next सर यहाँ पे number of common tangent. तो number of common tangent कितना होगा? Number of common टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. कैसे सर? दो तो हो जाएगा सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी, डीसीटी और प्लस में हो जाएगा सर 1 हो जाएगा इसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टीसीटी, टी सी टी. तो टोटल 3 हो जाएंगे इस तरीके से. क्लियर ना? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर जाए, इंटरसेक्ट करे पहले तो उसको देख लेते हैं. तो थर्ड केस विल डिस्कस नाउ. थर्ड केस, व्हेन सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट लाइक दिस. हियर वी हैव फर्स्ट सर्कल, हियर वी हैव द सेकेंड सर्कल लाइक दिस. ओके, this is the center number one of first circle, this is the center number two of second circle. So you join like this, we'll go like this. So this one is our R1, this one is our R2. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से. C1, C2 का जो value है, C1, C2 less हो जाएगा. किससे सर? So this will be the less than R1 plus R2. But it will be ठीक है ना, ऐसे. बट इट विल बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉड से, है ना? नहीं तो फिर वो इंटरनल में चला जाएगा मामला. ठीक है, तो इसको बताने के लिए इसको बात बोलना पड़ेगा कि R1 प्लस R2 से क्या होगा, बड़ा होगा, बट उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा. अच्छा, कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा सर? तो आप देख सकते हो, एक तो सर ऐसे आ जाएगा कॉमन टेंजेंट ऐसे, और एक चला जाएगा अपने पास लाइक दिस ऐसे. तो होगा अपने पास क्या? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. तो यहाँ पे जो बनेगा अपने पास नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, हेयर वी हैव टू. तो हेयर वी हैव टू कॉमन टेंजेंट, टू, और दोनों का दोनों कैसा होगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. इस वाले केस में हमारे पास कोई भी अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं हो पाएगा. ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फोर्थ. अगर इंटरनली टच कर जाए, इफ सर्कल, लेट अस सपोज दिस इज द वन सर्कल, हियर वी हैव लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, एंड दिस इज द अनदर सर्कल इज इनसाइड दिस, लाइक दिस. दिस इज द C1 एंड दिस इज हियर वी हैव व्हाट, C2, ऐसे करके. ठीक है, सो सर्कल इज टचिंग इंटरनली एट पॉइंट P. सो इस केस में क्या हो जाएगा सर? दैट C1 C2 जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड. तो ये कौन सा केस बनेगा? सर्कल टचिंग इंटरनली, सर्कल्स टचिंग इंटरनली, इंटर नली. अच्छा, इसमें कितने बनेंगे कॉमन टेंजेंट? तो ये हमारे पास ऐसे गया और ये चला गया ऐसे. तो दिस इज द कॉमन टेंजेंट. और कैसा होगा बता सकते हो क्या? कैसा होगा? डेफिनेशन पे जाओ. क्या था ये टेंजेंट का? सेंटर एक ही तरफ है, दैट इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. तो हो जाएगा अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट वी हैव टोटल 2 सॉरी 1. अब कैसा होगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा सर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा इस वाले केस में.
ना, तो ये ये बात बात ध्यान रखना है। और जब जब एक एक साइकिल दूसरे में कंप्लीटली चला जाएगा जाएगा प्रॉब्लम तो फिर तो प्रॉब्लम है। फिर तो होगा ही नहीं ना। जैसे फिफ्थ के चलो कर ही लेते हैं, जैसे एक सर्कल सर अपने पास यहाँ पे है सर, लेट अस सपोज दिस इज द सर्कल हियर वी हैव लाइक दैट ऐसे, और एक सेकेंड ऐसे सर्कल इसके अंदर चला गया लाइक दैट हियर ऐसे, सेंटर नंबर वन सेंटर नंबर टू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 0, या यू कैन से नो कॉमन कॉमन टेंजेंट। इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा दैट सी वन सी टू जो है वो लेस हो जाएगा आर वन माइनस आर टू से भी छोटा हो जाएगा, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा अपने पास वो उसके अंदर चला जाएगा सी वन सी टू, देन टेंस सर्कल एक सर्कल दूसरे के अंदर में चला जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट चलिए हम नेक्स्ट बात बात करते करते हैं लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ कॉमन टेंजेंट का, कि डायरेक्ट डायरेक्ट कॉमन कॉमन टेंजेंट का टेंजेंट लेंथ क्या होता है, एंड एंड दूसरा अपने पास क्या है ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कॉमन कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल राइट लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ कॉमन कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट, लिख लीजिए लेंथ ऑफ कॉमन, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉमन टेंजेंट में टेंजेंट क्या आ आ जाएगा जाएगा सर, सर। तो सबसे सबसे पहले पहले देख देख लेते हैं लेते हम हैं लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ देख लेते हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में डी सी एंड टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिए देखिए हमारे पास एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, ये सर हमारे पास दूसरा सर्कल आ गया सर ऐसे, और ये हमने बना दिया आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हियर लाइक दैट, ठीक है। ए इसका सेंटर, यहाँ से इसका रेडियस आ गया, ए इसका सेंटर है यहाँ से आ गया इसका सी टू सी वन आर वन आर टू, और फिर से हमने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लिया लाइक दैट ऐसे। अब अगर नेम ये जैसे ये जो जो है है ना, ना देखो ये थोड़ा सर्कल बड़ा है सर्कल छोटा है, तो इसी के पैरेलल पैरेलल में मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ ऐसा, ये दोनों लाइन क्या है सर आपस में पैरेलल है। इस पॉइंट को चलो नाम नाम दे देते देते हैं, हैं इसको देते हैं क्या ए, इसको बी, इसको पी, यह एंगल कितना होगा होगा टेंजेंट रेज का एंगल 90 डिग्री हो जाता है अपने पास। एक चीज और और देख दे सकते सकते हो कि हेयर वी आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन हेयर सी वन सी टू बी पी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है पैरेललोग्राम फॉर्म हो फॉर्म रहा है, ठीक है ना। तो सर अगर ये पैरेलल पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा सी वन सी टू जो है वो बी पी के लेंथ के बराबर हो जाएगा अपने पास। हाँ सर हो जाएगा सर, ओके। तो इफ वी सी इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा, तो ये हो जाएगा सर बी ए पी, इसमें अपने पास क्या आ जाएगा दैट इज दिस ए बी का स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए पी एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट दिस इज बी पी का स्क्वायर, ओके क्लियर है ना। सो दैट लेंथ इज आवर लेंथ ऑफ लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यही तो है आपका क्या लेंथ ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन जो निकालना हमारा हमारा टारगेट टारगेट है। एक और ध्यान से देखो यहाँ पे ए ए सी वन किसके बराबर है सर आर वन आर्मी के बराबर, ठीक है सर, बी सी टू इज इक्वल टू आर टू, और क्या यही यही वैल्यू वैल्यू हमारा सी वन पी के बराबर होगा। हाँ सर, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो बात चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो कि बी सी टू इज इक्वल टू पी सी वन, ये दोनों आपस में भी क्या होगा अपने पास इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट पोजिट साइड्स साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल वी नो द प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके ओके, इसका मतलब सर जो ए पी का वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू
आर वन माइनस आर टू हो जाएगा सर, दिस इज द वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ एपी, सो एल पुट पुट ऑल ऑल द द वैल्यू वैल्यू हियर, हियर, सो व्हाट विल गेट आवर ए बी स्क्वायर एंड बी पी नथिंग बट सी वन सी टू ना, तो दिस इज सी वन सी टू का स्क्वायर माइनस माइनस आर आर वन वन माइनस आर टू का होल होल स्क्वायर स्क्वायर का रूट अंडर, इफ आई डू सो विल गेट लेंथ, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, सो यस दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ, दिस इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डी सी टी, वेरी सिंपल है, मैंने आपको कोशिश किया कि आपको प्रूफ भी दिखाऊं, इट्स वेरी इजी, नथिंग डिफिकल्ट हियर इन द लेंथ ऑल्सो, सो नेक्स्ट हियर वी हैव, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट वी हैव, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सो नेक्स्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सो लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है सर, सो लेट अस सपोज दिस इज द सर्कल हियर वी हैव लाइक दैट, दिस इज द स्मॉलर सर्कल हियर वी हैव लाइक दैट, ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां से विल ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस, दिस इज द कॉमन टेंजेंट वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर, दिस इज द सी वन, दिस इज द सी टू, ठीक है ना, ओके सर, सो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दे लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, अच्छा एक काम करो, एक तो आप यहाँ से ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा ही लो, ये आपका हो गया आर टू, सिमिलर तरीके से ना आप यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर गिराओ, एक्चुअली यहाँ पे आर, लेट अस सपोज ये हमारे पास हो गया सर आर वन का वैल्यू, ठीक है बेटा, ओके ठीक है, एक और काम करिए, देखिए हियर वी आल्सो ट्राई टू मेक द दैट पैरेललोग्राम, क्या करना पड़ेगा, देखो आर टू है ना, इसको और थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ तक ऐसे, एंड इफ आई ज्वाइन लाइक दिस, दिस वन लाइक दिस, हियर विल ट्राई टू मेक, तो हियर आल्सो टू 90 डिग्री बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, सो लेट अस सपोज दिस इज सी वन सी टू एंड इज ए एंड दिस इज बी, क्लियर, एंड लेट अस सपोज दिस इज डी और पी, वॉट एवर यू वॉन्ट पी, सो कैन वी से दिस इज ऑल्सो हेयर 90 ना, दिस इज 90, दिस इज 90, इट ऑल्सो विल विट 90 ओनली, नो प्रॉब्लम, सो वी कैन क्लियरली सी दिस डायग्राम ए पी ए पी बी सी वन इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है सर, अच्छा सर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड विल बी सेम, यानी कि ए पी मस्ट बी इज इक्वल टू बी सी वन, ओके सेकेंड पार्ट हियर यू कैन सी दिस ए सी वन इज इक्वल टू बी सी टू, नॉट बी सी टू, इट विल बी बी पी ओनली आई थिंक, यस इट विल बी द वैल्यू ऑफ बी पी, दिस इज बी पी करेक्ट, तो सी दिस इज आर वन, सो दिस मस्ट ऑल्सो बी आवर आर वन, clear or not, okay sir, so now you can see in right angle triangle, in right angled triangle kaun sa bata sakte ho, c1 c2 and b mein hai na, yahan pe ban raha hai dekho 90 degree, to yahan pe hum kya bol sakte hain, 90 ke samne mein kaun hai, c1 c2 ka square jo hoga, this is equal to sir बी सी वन का स्क्वायर, बी सी वन का स्क्वायर प्लस प्लस क्या बी सी टू का स्क्वायर, बी सी टू का स्क्वायर, लेट अस पुट द वैल्यू, सो दैट इज आवर टारगेट टू फाइंड इट आल्सो, कौन सा बी सी वन, बी सी वन ही हमारे पास क्या है ए पी के बराबर है, दिस वन, सो यस दिस इज द सी वन सी टू होल स्क्वायर, इसको इधर भेज दो है ना, तो बी सी टू हमारे पास क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, यहाँ पे का होल स्क्वायर
एंड दिस इज इक्वल टू योर एपी का स्क्वायर, दिस इज योर इक्वल टू एपी का स्क्वायर, क्लियर। और इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी, इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ दिस इज व्हाट सी वन सी टू स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। सो यस, दिस इज द आवर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लेकिन क्लियरली सी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स जो होगा वो क्या होगा, लेंथ वाइज ये हमारा छोटा होगा सी वन सी टू था, उसमें से घटने वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, घटने वाला पार्ट यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि आर वन प्लस आर टू, और उसमें क्या घट रहा था आर वन माइनस आर टू, दैट ऑटोमेटिकली फुल लॉन्ग क्योंकि सी वन सी टू दोनों में सेम ही है, ठीक है ना। सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, होपफुली इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज, टू मोर टॉपिक इज देयर, वन इज रेडिकल एक्सिस एंड वन इज द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, लेट मी डिस्कस बोथ इन दिस वीडियो ओनली, ओके। सो थोड़ा सा बना के रखिए, और पूरा वीडियो तो देख ही रहे हैं आप, और थोड़ा देख लीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस। सो व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस एक्चुअली, सी इफ वी हैव टू सर्कल, इफ वी हैव टू सर्कल like this here and here, okay, so radical axis is the axis कि जहां से अगर आप कोई पॉइंट ले ले और दो सर्कल पे आपने टेंजेंट डाला तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है दोनों पे सेम आ जाएगा, ये जो आएगा कि अपने पास सर सेम आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, मींस अगर ये पी पॉइंट है तो दे वैल्यू ए वैल्यू सेम हो जाएगा, दिस इज द इट्स डेफिनेशन। तो लिख लो, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल विल बी सेम। सो लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम फ्रॉम दिस पॉइंट टू सर्कल्स are equal or same, that is the our radical axis. निकालना कैसे है सर, वेरी सिंपल। अगर मान लो इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं समथिंग एस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन, एंड सिमिलरली एस टू हम यहाँ से लिख सकते हैं is equal to x square plus y square plus 2g 2x plus 2f2y plus c2. So s1 minus s2 is equal to 0 जो होगा, that is the equation of radical axis. ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है सर, radical axis आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, इसका रेडिकल एक्सिस फिर रेडिकल सेंटर भी होता है। क्या होता है रेडिकल सेंटर, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से तीनों के ऊपर अगर हमारे पास सर्कल के ऊपर जो सेंटर, अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट सेम बोलते हैं रेडिकल सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। एक कुछ प्रॉपर्टी है इसमें कि रेडिकल एक्सिस जो है ये पॉइंट को बाइसेक्ट करता है सब, तो आई थिंक इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अच्छा से एक और वीडियो बना ही दूंगा छोटा सा 15-20 मिनट का जो भी बनेगा, दोनों को लेकर कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल एंड दिस व्हाट वी सेड द नोड्स पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर टिल देन, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।